चीन में फैले कोरोना वायरस से अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है। चीन में कई लोगों को मौत का निवाला बना चुका कोरोना वायरस अब भारत में भी अपने पैर पसारता दिख रहा है। आपको बता दें कि चीन में अब तक इस वायरस से हुई मौतों का आंकड़ा लगभग 50 के पार पहुंच चुका है एवं 800 के आसपास लोग इस वायरस से संक्रमित हैं। इसको लेकर भारत में कड़ी सुरक्षा बरती जा रही है। चीन से जितने भी यात्री भारत आ रहे हैं उन पर डॉक्टरों द्वारा कड़ी निगरानी रखी जा रही है। चीन में तबाही मचा रहे कोरोना वायरस को लेकर देश के सभी राज्य अलर्ट पर हैं। कई जगह अस्पतालों को निर्देश दिए गए हैं कि कोरोना वायरस से संक्रमित कोई भी व्यक्ति यदि रिपोर्ट होता है तो उसे तत्काल रूप से आइसोलेशन वार्ड में रखकर उपचार दिया जाए। आपको बता दें कि केरल, बेंगलुरु, हैदराबाद और मुंबई में कई लोगों को डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। केरल के स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा का कहना है कि सभी लोगों को इस वायरस से चौकन्ना रहना होगा। When we heard that coronavirus is rampant in China, at once we formed our RRT here and the meeting is over and each and every district we took precautionary measures and preventive measures. भारत के साथ साथ इस वायरस के जापान एवं अन्य देशों में भी फैलने के आसार हैं। देश भर में वायरस से बचने के लिए कई एयरपोर्टों में अलर्ट जारी किया गया है। इनमें मुंबई, चेन्नई, अमृतसर, कोलकाता, कोची आदि शामिल हैं। चीन से आ रहे सभी यात्रियों की इन एयरपोर्टों में थर्मल स्कैनिंग की जा रही है। अमृतसर के डीसी शिव दुलार सिंह ने भी इस वायरस को लेकर अपनी बात कही। इस तरह की ये जड़ा वायरस है चाइना में भी इसको पता ही है साथ में चाइना में भी ये पाया जा रहा है उसे काफी मेरे बारे में लोगों का एप्रिहेंशन भी और चाइना की गवर्नमेंट भी बारे बात नहीं कर रही है तो उसके बीच इंडिया के बीच जेडे साढ़े कोई ट्रैवलर उतो आ रहे हैं साढ़े भावे सिटीजन साढ़े बार कोई है जेड़े चाइना को आ रहे हैं उन्होंने बारे विशेष ध्यान रखने की लोड़ है। कोरोना वायरस कई सारे वायरसों का एक समूह है जो मुख्य रूप से जानवरों में पाया जाता है। इसे सार्स वायरस समूह का ही एक वायरस माना जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार कोरोना वायरस सी फूड से जुड़ा हुआ है। देश के वरिष्ठ डॉक्टरों का कहना है कि ये वायरस जानवरों से ही इंसानों के बीच पहुंचा है। चीन में कोरोना से अब तक कई लोग ग्रसित हो चुके हैं, साथ ही मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। अलग अलग डॉक्टरों की रिपोर्टों के अनुसार कोरोना वायरस से यदि बचना है तो सबसे पहले आपको समुद्री जीवों से बचना होगा। कोरोना वायरस से बचाव हेतु अभी तक कोई भी वैक्सीन इजाद नहीं हुई है। डॉक्टरों का सुझाव है कि आपको यदि बाहर का कुछ खाना हो तो एक बार उसे सही ढंग से धो लें। सही मायनों में अभी तक इस वायरस से बचने का कोई भी इलाज संभव नहीं है, इसलिए डॉक्टरों द्वारा सिर्फ महत्वपूर्ण दवाइयां ही उपलब्ध कराई जा रही हैं। कोरोना वायरस के काफी घातक एवं जानलेवा होने के कारण वायरस से बचने को सरकार महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। साथ ही सरकार ने इस संक्रमित वायरस से बचने के लिए लोगों को सावधानियां बरतने को कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन वन। नेशन वन की खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आई वीडियो को शेयर करना ना भूलें और ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें www.nationone.tv पर। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए बने रहें नेशन वन के साथ।